बिजनेस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय विनर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सोना 63,500 रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा, चांदी भी चमकी। JSW स्टील ने किया जुर्माने का भुगतान, लगभग 2.79 लाख रुपए के जुर्माना, 79 लाख रुपए का जुर्माना। JSW स्टील ने JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर RBI द्वारा लगाए गए लगभग 2.79 लाख रुपए के जुर्माने का भुगतान कर दिया है। JSW स्टील ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के 22 जून 2023 के आदेश के बाद 31 जुलाई 2023 से JISPL का विलय कर दिया गया है। फेमा विनिमय 2017 के विनियमन 13.12 के तहत फॉर्म FC GPR दाखिल करने में देरी के लिए RBI ने 22 नवंबर 2023 के अपने आदेश के तहत पूर्ववर्ती JISPL पर 2,79,718 रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसे कंपनी ने इसका भुगतान कर दिया। एक्सिस बैंक और एयर इंडिया ने एक साझेदारी की है, जिसके तहत एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को अपने एक्सिस एज रिवार्ड पॉइंट या एज मील को एयर इंडिया फ्लाइंग रिटर्न पॉइंट्स में रूपांतरित करने में मदद मिलेगी। एक्सिस एज रिवार्ड पॉइंट या एयर इंडिया फ्लाइंग रिटर्न पॉइंट में परिवर्तित एज मील को 5 महाद्वीपों में फैले एयर इंडिया के बढ़ते रूट नेटवर्क पर केबिन अपग्रेड या अवार्ड फ्लाइट के लिए भुनाया जा सकता है। मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को सोने की कीमत 750 रुपए बढ़कर 63,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। पिछले कारोबारी सत्र के अंत में सोने की कीमत 62,750 रुपए प्रति 10 ग्राम रही थी। चांदी की कीमत भी 800 रुपए बढ़कर 79,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। देश की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का 17,000 करोड़ रुपए का शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम 1 दिसंबर से शुरू होगा। TCS ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि 7 दिसंबर तक चलने वाली शेयर पुनर्खरीद में रुपए प्रति शेयर की दर से अपने शेयर बेच सकेंगे। प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी का लक्ष्य 4.09 करोड़ शेयरों की पुनर्खरीद करने का है। 2 लाख रुपए से कम निवेश करने वाले छोटे छोटे शेयर धारकों के लिए 25 नवंबर को रखे गए प्रत्येक 6 शेयरों के लिए पात्रता अनुपात 1 शेयर तय किया गया है। अन्य योग्य शेयर धारकों के लिए पात्रता अनुपात प्रत्येक 209 शेयरों के लिए 2 शेयरों पर निर्धारित किया गया है। TCS ने कहा कि कंपनी का मानना है कि शेयर पुनर्खरीद से निवेश के लिए उपलब्ध राशि में कमी के अलावा कंपनी के लाभ या कमाई पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। सरकार ने कोयला ब्लॉक आवंटियों से उन खदानों को चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा, जो चालू होने के अंतिम चरण में है। चालू वित्त वर्ष में भारत वाणिज्यिक और व्यक्तिगत उपयोग वाले ब्लॉक से 14.5 करोड़ टन कोयले का उत्पादन कर सकता है, जिससे देश को कोयला आयात को कम करने में मदद मिलेगी। कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और नामित प्राधिकारी M. नागराजू ने चालू वित्त वर्ष में उत्पादन कर रही और करने जा रही निजी उपयोग और वाणिज्यिक कोयला खदानों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नागराजू ने कोयला ब्लॉक आवंटन पाने वाली कंपनियों से चालू वित्त वर्ष के उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। व्यक्तिगत उपयोग वाणिज्यिक वाली कोयला खदानों से 1 अप्रैल 2023 से 20 नवंबर 2023 के दौरान कुल कोयला उत्पादन लगभग 8 करोड़ टन था, जो पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि से 23% अधिक है। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज के सुर्खियों पर। सोना 63,500 रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा, चांदी भी चमकी। JSW स्टील ने किया जुर्माने का भुगतान, लगभग 2.79 लाख रुपए के जुर्माना, 79 लाख रुपए का जुर्माना। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इन बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।